राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक बार फिर सियासी पारा चढ़ गया है, जहां पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने सीएम आवास के सामने धरना दिया। इस दौरान जयपुर में बीजेपी पार्टी ऑफिस से कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए सीएम आवास को घेरने के लिए आगे बढ़े तो पुलिस ने इन्हें रोक लिया, जिसके बाद बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस की भिड़ंत हो गई। वहीं पुलिस ने कार्यकर्ताओं को लाठियों से खदेड़ते हुए वाटर कैनन से पानी की बौछारें भी की। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का जन्मदिन 8 मार्च को है, लेकिन उस दिन होली होने की वजह से उन्होंने अपना जन्मदिन 4 मार्च को ही सालासर के बालाजी मंदिर में मनाया। वहीं अपने जन्मदिन के बहाने राजे ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। इसके अलावा उन्होंने इस दौरान एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया, जिसमें करीब 1,00,000 लोग इकट्ठा हुए। राजस्थान के दो सीनियर नेता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत की राजनीतिक अदावत इन दिनों खुलकर सामने आई हुई है। नौबत अब यहां तक आ गई कि अब केंद्रीय मंत्री शेखावत ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चलाने का फैसला तक ले लिया। शेखावत ने 4 मार्च दोपहर बाद नई दिल्ली स्थित राउस एवेन्यू कोर्ट जाकर मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा पेश किया। केंद्रीय मंत्री द्वारा मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने पीएम मोदी को कटघरे में खड़ा किया। गहलोत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री अगर मानहानि का केस कर रहे हैं तो उसका स्वागत करते हैं, कम से कम इस बहाने ये केस आगे तो बढ़ेगा, जो गरीब चर्चा में नहीं थे उनका भला होगा। वहीं मोदी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने घपलेबाज को मंत्री बना रखा है। राजस्थान के नागौर जिले के खरनाल स्थित वीर तेजाजी की जन्मस्थली पर चल रहे मंदिर निर्माण के बीच अचानक कुछ चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने सबको हैरान कर दिया। बता दें कि ये मामला आस्था से खिलवाड़ का है। खबरों के मुताबिक हरियाणा की जेजेपी पार्टी के अध्यक्ष अजय चौटाला ने वीर तेजा मंदिर बनाने के लिए नींव में चांदी की ईंटें रखी और अब पता चल रहा है कि ये ईंटें नकली हैं। मंदिर का निर्माण करा रहे अखिल भारतीय वीर तेजा जन्मस्थली संस्थान के पदाधिकारी भी ये जानकर हैरान हो गए। होली पर्व को लेकर बाड़मेर जिला कलेक्टर लोकबंधु यादव ने होली के त्योहार के मद्देनजर आदेश जारी कर 2 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जिले भर में धारा 144 लागू कर दी। इसके तहत आमजन की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले गानों पर भी पाबंदी लगाई। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले रंगों का उपयोग नहीं करने को लेकर लोगों से अपील की गई। राजस्थान के बाड़मेर में जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए होली पर जिले में धारा 144 लागू कर दी। जिला कलेक्टर के इस आदेश में कहा गया कि कोई भी इस तरीके से रंग न खेले कि किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसके अलावा गाने और नारे लगाने पर भी पाबंदी लगाई गई। वहीं अब इस आदेश को लेकर विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर और बीजेपी सांसद अर्जुन लाल मीणा ने गहलोत सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। कोटा और बूंदी जिले के लोगों को अहमदाबाद के लिए आज से सीधी ट्रेन मिल गई। खबरों के मुताबिक इस ट्रेन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि यह ट्रेन बूंदी, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर होते हुए अहमदाबाद के असावरा स्टेशन पहुंचेगी। हालांकि पहले दिन ही ये ट्रेन 9 मिनट की देरी से रवाना हुई। हालांकि इस ट्रेन के चलने से खासतौर पर डूंगरपुर, उदयपुर जाने वाले यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी। यात्रियों का कहना है कि डूंगरपुर के लिए कोटा से ये पहली ट्रेन मिली है। इससे पहले यात्रियों को बसों से सफर करना पड़ता था। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव की तबीयत 4 मार्च को बिगड़ गई। बता दें कि उपेन ने आरपीएससी के बाहर युवा बेरोजगारों पर लाठीचार्ज करने वाले अजमेर सिविल लाइन्स इंचार्ज को निलंबित करवाने और दर्ज मुकदमा वापस करवाने की मांग को लेकर 23 दिन पहले अन्न त्याग कर दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने पर यादव ने 3 मार्च को लिक्विड भी त्याग दिया, जिसके बाद 3 मार्च दोपहर तक उनकी तबीयत बिगड़ गई।